बड़ी खबर, सबरीमाला मंदिर में प्रवेश कर इतिहास रचने वाली कनक दुर्गा को उनके ही पति ने घर से बाहर निकाल दिया है और अधिकार पाने के लिए अब न्याय का रास्ता ही उनके लिए एकमात्र विकल्प है। जी हाँ, ये खबर बेहद विचारजनक है, जहाँ कानून के जानकार बताते हैं कि ऐसे मामलों में देश की महिलाओं के लिए स्पष्ट कानून है, जहाँ बुधवार को कनक दुर्गा को केस पेश नहीं हो सका क्योंकि मजिस्ट्रेट 3 दिनों की छुट्टी पर है। फिलहाल उनके पास वन स्टॉप शेल्टर में रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वन स्टॉप शेल्टर में सरकार उन महिलाओं को रहने की सुविधा प्रदान करती है जो किसी विपरीत परिस्थितियों में फंसी होती है। कनक दुर्गा के पति ने पुलिस के सामने यह कहा था कि वो नहीं चाहते कि कनक दुर्गा अब उनके घर में रहे, और जहां केरल और कर्नाटक हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों का मानना है कि कनक दुर्गा का केस पूरी तरह से घरेलू हिंसा से जुड़ा हुआ मामला है। साथ ही कोची के ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क से जुड़े प्रीत के कहते हैं, भले ही इसका कारण सबरीमाला में प्रवेश हो, यह मामला पूरी तरह से मानसिक उत्पीड़न और घरेलू हिंसा से जुड़ा है और उसे घरेलू हिंसा के रोकथाम अधिनियम के तहत ही देखा जाएगा। साथ ही में कर्नाटक हाई कोर्ट की वकील गीता देवी ने भी बयान दिया है कि ऐसी स्थिति में कानून पति को घर छोड़ने की अनुमति और पत्नी को घर पर रहने की ही इजाजत देता है। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक